So what type of purchase policy you have that will also determine your working capital requirement. If a firm purchases more goods on credit, the requirement of working capital will be less. क्योंकि आप उधार खरीद रहे हो तो आपको कैश की जरूरत कम पड़ेगा, आपको 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा पेमेंट के लिए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना डिले हो जाएगा आपका. इन अदर वर्ड्स, इफ लिबरल क्रेडिट टर्म्स आर अवेलेबल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिड्यूस. आपका सप्लायर आपको उधार माल दे रहा है तो आपकी उस उतनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. सिमिलर थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, दैट इज द लोन फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द बैंक. So if a firm can get easy bank facility in case of need, it will operate with less working capital. क्योंकि बैंक से आपको इजीली लोन मिल जा रहा है तो फिर आपको उतना कैश बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑन द अदर एंड, इफ सच फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी आपको नहीं मिल रहा है, तो किसी को भी चेक इश्यू करने से पहले, किसी का भी पेमेंट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास सफिशियंट बैलेंस है कि नहीं बैंक में, और नहीं है तो उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगा. सो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द बैंक ऑल्सो अफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. देर इज अ बिग लिस्ट, हमने यहाँ पे कुछ 10-15 पॉइंट लिए हैं. अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, इट इज अ बिग लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग. देन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जैसे मैंने अभी शुगर केन का एग्जाम्पल दिया था कि पूरे साल शुगर केन का सप्लाई नहीं होता है तो हमें एक फिक्स क्वांटिटी खरीद लेना पड़ेगा, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा उस मंथ में. और अगर आपको पूरे साल मटेरियल मिलता है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदोगे तो वहां वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी. इफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द फर्म इज अवेलेबल इजीली ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, there will be no need to keep a large inventory, that is large stock of such material, and so the requirement of working capital will be less. क्योंकि पूरे साल मटेरियल मिल ही रहा है तो स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक करोगे तब पैसा रुकेगा. बट इफ सप्लाई ऑफ मटेरियल इज इरेग्युलर एंड द फर्म विल बी कंपेल्ड टू कीप एन एक्सेसिव इन्वेंटरी, ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत है ऑफ सच रॉ मटेरियल, इट विल रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल. सो दिस इज अ पॉइंट रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस योर गुड्स. देन द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ मतलब आपके बिजनेस में एक कैश बैलेंस होगा. इफ नेट प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, हायर द नेट प्रॉफिट इन कैश वुड जनरेट मोर इंटरनल फंड एंड देयर बाय हेल्प इन वर्किंग कैपिटल. अगर कम प्रॉफिट है और ज्यादा प्रॉफिट है तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल पे बहुत इफेक्ट हो जाएगा. आपके बिजनेस में हाई प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपको एक सपोर्ट करेगा और वो भी कैश में होना चाहिए. देखो, प्रॉफिट होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कैश है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है वो एक्रुअल बेसिस पे बनता है. हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बताएगा कि 10 लाख का प्रॉफिट है, पर रियलिटी में हमारे पास कैश बैलेंस 1 लाख ही हो सकता है या 2 लाख ही हो सकता है. प्रॉफिट दिख रहा होगा पेपर पे, रियलिटी में कैश नहीं होगा उतना, 10 लाख का कैश नहीं होगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम क्रेडिट में भी सेल्स करते हैं, तो हमने क्रेडिट में माल बेचा है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में तो सेल्स बताएंगे, पर वहां कहाँ दिख रहा है कि कैश नहीं आया, तो वहां प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि 10 लाख का प्रॉफिट है, पर पैसा कहाँ आया है, अभी सेल्स हो गया, पैसा नहीं आया, कैश नहीं है. तो कैश प्रॉफिट होना जरूरी है. टैक्सेस,
प्रॉफिट के साथ टैक्स जोड़ लिया है, ज्यादा टैक्स है तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास उतना प्रॉफिट बचेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स लगता है। हायर द अमाउंट ऑफ टैक्स लेस विल बी द अवेलेबल प्रॉफिट फॉर वर्किंग कैपिटल। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, डिविडेंड पॉलिसी। कोई कंपनी कैश डिविडेंड देती है, कोई बोनस शेयर में डिविडेंड देती है, कोई प्रॉपर्टी में डिविडेंड देती है, कोई बॉन्ड डिविडेंड देता है। आप किस तरीका का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे रहे हो, एंड दैट विल डिसाइड योर रिक्वायरमेंट फॉर कैश। अगर आप कैश डिविडेंड दे रहे हो तो आपके पास उतना कैश बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म सोर्सेस या तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस की हेल्प से आप वो वर्किंग कैपिटल, वो कैश बैलेंस पहले फाइनेंस करोगे और बाद में आप डिविडेंड दोगे। तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिड्यूसेस कैश, अगर आप कैश डिविडेंड दे रहे हो तो, एंड देयर बाय अफेक्ट वर्किंग कैपिटल। ऑन द अदर हैंड, इफ द कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड बट रिटेन्स द प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग है जो कल हमने डिविडेंड पॉलिसी में देखा था, रिटेन अर्निंग का कंपनी ने डिसीजन लिया, जो भी प्रॉफिट है उसमें से ज्यादा रिटेंशन करना है, डिविडेंड कम देना है, तो मोर वुड बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम दिस 13 पॉइंट, इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स यू विल फाइंड सो मेनी अदर पॉइंट्स विच अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था इस लेक्चर में कि ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट लेना है। नॉर्मली जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है दैट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये ऑपरेटिंग साइकिल हुआ, या तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। नॉर्मली 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल होता है, पर ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है सभी बिजनेस में इक्वल नहीं होता है। तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग, उस साइकिल के हिसाब से वर्किंग कैपिटल नीड्स चेंज होगी। सो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपॉन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म। क्या है ऑपरेटिंग साइकिल? द ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन, जैसे मैंने अभी 12 महीने बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स दैट इज रॉ मटेरियल एंड एंडिंग द सेल्फ रियलाइजेशन, ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा। आपने कब मटेरियल परचेस किया, या तो रेडीमेड स्टॉक परचेस किया गुड्स का, और वो कब उसका सेल हो जाता है, दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल। द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल में डिफर फ्रॉम वन फर्म टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ फर्म कंसिस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग फैक्टर, जो अभी हमने बताया। पहले आप रॉ मटेरियल खरीदोगे,
उस रॉ मटेरियल में से आप वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा अधूरा काम जो होता है उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। जैसे कि कार का मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने कार के स्पेयर पार्ट्स खरीद लिए, मटेरियल खरीद लिया, अब कार का मैन्युफैक्चरिंग चालू है, अभी पूरी कार नहीं बनी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ। कन्वर्जन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन द फिनिश गुड, फिर उसमें से पूरा कार आपका रेडी हो जाता है, रेडी टू यूज, रेडी टू सप्लाई, फिनिश गुड हो गया। फिर उसको आप सेल करोगे क्रेडिट में या तो कैश में। कैश में करोगे तो आपको कैश मिल जाएगा, अगर क्रेडिट में करोगे तो फिर वो डेटर्स बनेगा जिसको रिसीवेबल बोलेंगे, फिर वो डेटर्स हमें पेमेंट करेंगे। तो सेल ऑफ फिनिश गुड, देन कन्वर्जन ऑफ डेटर्स इंटू कैश, रिसीवेबल्स इंटू कैश, ये ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये साइकिल 3 महीने में खत्म होता है, 6 महीने में खत्म होता है, या 1 साल में खत्म होता है, दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। तो जैसा आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा उस हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। दैट इज द मनी विच सर्कुलेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ करंट असेट इन अ कंटिन्यूड मैनर। फॉर एग्जाम्पल, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फंड में बी टाइड अप इन रॉ मटेरियल, देन लेटर कन्वर्टेड इंटू सेमी फिनिश प्रोडक्ट, देन इंटू फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, एंड वेन दिस फिनिश प्रोडक्ट आर सोल्ड इट इज अगेन कन्वर्टेड इंटू द रिसीवेबल्स एंड कैश। ये वर्क, ये हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक डेफिनेशन दिया है आपको ऑपरेटिंग साइकिल का, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिफाइंस ऑपरेटिंग साइकिल एज द एवरेज टाइम, नॉट द एग्जैक्ट बट इट इज एवरेज टाइम बिटवीन द परचेस ऑफ मटेरियल एंड सर्विस एंड फाइनल कैश रियलाइजेशन। जो ऊपर दिया था वही चीज है। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट दिया है, एक ड्राइंग बताया है, जिससे आपको समझ में आए ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। आपके पास कैश है, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर सेमी प्रोडक्ट गुड्स बना उसमें से, फिर फिनिश गुड बना, फिर उसको सेल किया तो डेटर्स आया, बिल्स रिसीवेबल आया, फिर उन्होंने हमें पेमेंट किया, कैश आया, फिर से साइकिल चलता रहेगा। तो कैश में से रॉ मटेरियल बनने में मान लो 15 दिन लगे, रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड बनने में मान लो 15 दिन लगे, सेमी फिनिश से फिनिश में 15 दिन लगे, फिनिश गुड से बिल्स रिसीवेबल में 15 दिन लगा, और बिल्स रिसीवेबल्स में से कैश 15 दिन लगा। तो ये 2.5 महीने का मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल बनाया। ये जो एरो दिया है मंथ बताएगा आपको, कि सब में टाइम पीरियड अलग होगा, किसी में 1 मंथ, किसी में 2 दिन, किसी में 2 महीना, और इस हिसाब से आपका ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड होगा। तो 1 साल में बहुत सारी ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है। तो इसको जोड़ा गया है फिर से रेशियो के चैप्टर से, कि आपने जो इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक में, वो कितने दिन में आपको रिकवर हो जाता है। तो फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंटरी अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 365। आपने डेटर्स को जो उधार माल बेचा है वो कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, तो अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 365। ये फॉर्मूला है, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पेएबल पीरियड, आपने जो उधार माल खरीदा है, मटेरियल उधार खरीदा, उसका पेमेंट आपको कितने टाइम में करना है, उसका एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है, अकाउंट पेएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 365। दीज आर सम फॉर्मूलाज विच आर यूज टू नो विद इन हाउ मेनी डेज इन्वेंटरी इज कन्वर्टेड इंटू कैश, विद इन हाउ मेनी डेज डेटर्स आर कन्वर्टेड इंटू कैश, विद इन हाउ मेनी डेज वी आर मेकिंग पेमेंट टू अवर सप्लायर्स, ऑल दिस। और उसके ऊपर से बनता है कैश कन्वर्जन साइकिल इज इक्वल टू आपका ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब माइनस आपका पेमेंट पेबल पीरियड। जो ऊपर की फॉर्मूला में सारी चीजें आपको मिल जाती है, इन्वेंटरी और रिसीवेबल से कन्वर्जन पीरियड मिलेगा, पेबल से आपको पेबल पीरियड मिलेगा, इसको माइनस करते हो तो आपको कैश कन्वर्जन साइकिल कट पीरियड मिल जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज।
आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हमने जो वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स देखे थे, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वही यहाँ पे फिर से दिए हुए हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन, देख सकते हो आप वही है चीज। यहाँ पे खाली टाइटल दिया है, थोड़ी देर पहले हमने इसको डिटेल में भी लिया था। 13 टाइटल्स वी हैव अंडरस्टूड। अपार्ट फ्रॉम दोस 13 पॉइंट, देयर में बी मेनी अदर फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ डेप्रिसिएशन पॉलिसी दिया है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी दिया है, प्राइस लेवल चेंजेस दिया है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी है। आपको 5-10 पॉइंट याद रखने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में कवर किया, जिसमें 13 पॉइंट्स हैं। 10 मार्क्स में आपको मैं एग्जाम में पूछने वाला हूँ, इसको प्रिपेयर कर रहा। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।